हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे मैंने एक और वीडियो बनाया है, आई हैव कम फॉर ट्रैकिंग, सो यहीं से सोचा कुछ वीडियोस बना लूं। सो इन दिस वीडियो मैं बनाना चाहती हूं कि इज कमिंग टू जर्मनी द बेस्ट ऑप्शंस। आई वुड से ये तो बहुत ही एक सब्जेक्टिव टॉपिक है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट ऑफकोर्स मैं ये बोलूँगी दे आर फ्यू प्रोफेशंस जिनके लिए मुझे लगता है एक फॉरेन मार्केट इज़ या फॉरेन कंट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हेयर ड्रेसर हो, आप एक नर्स हो, या आप एक नानी हो या एक कुक हो, सो मुझे लगता है ये सब प्रोफेशंस का इंडिया में बहुत वैल्यू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक सेल्स पर्सन, एक नॉर्मल सेल्स पर्सन, एक नॉर्मल नर्स, एक नॉर्मल हेयर ड्रेसर, इनकी सैलरी कितनी हो सकती है इंडिया में? अराउंड 15,000 to 20,000। और मुझे लगता है इनका बहुत ग्रोथ भी नहीं होता है। एंड 15,000 to 20,000 ऑफ सैलरी इज़ वेरी लेस इन इंडिया, इट्स नॉट दैट चीप अ कंट्री जैसा सबको लगता है फॉरेन में। बट ये सारे प्रोफेशंस का बहुत वैल्यू है, बीट जर्मनी, बीट US, बीट कैनेडा, बीट स्विट्ज़रलैंड। आई थिंक ये सारे कंट्रीज़ में ये सारे प्रोफेशंस का भी उतना ही वैल्यू है कंपेयर टू इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA इन एनी फील्ड। सो मुझे लगता है अगर आपका ये सब फील्ड में अगर इंटरेस्ट है ना, अगर आप एक नर्स बनना चाहते हो, अगर आप एक हेयर ड्रेसर बनना चाहते हो, आप एक कुक बनना चाहते हो, तो मुझे लगता है रियली इवेल्यूएट दीज ऑप्शंस, क्योंकि शायद आपको जो स्ट्रगल लगेगा इंडिया में, मे बी 15 to 20 years ऑफ योर लाइफ टाइम टू कम टू अ डिसेंट पैकेज ऑफ 10 to 15 lakhs, वो आप फॉरन आ करके आपका बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वही जो मैं बोलती हूँ, बेसिक पे ही इतना sufficient enough है to give you a good lifestyle. So ये this is what I felt and I feel in sub professions के लिए definitely I would say for not only Germany, any foreign country is a good option. So this is all from my end. Bye, take care.